ये कोई आम राजनीतिक दल नहीं है, आम आदमी पार्टी क्रांति का नाम है। आम आदमी पार्टी एक इंकलाब का नाम है जो पूरे भारतवर्ष में सच्ची देशभक्ति और कट्टर ईमानदारी का सैलाब लेकर आ रही है। एक ऐसे ही बदलाव की हुंकार अब हिमाचल प्रदेश से उठ रही है। चलिए हम आपको बताते हैं कि हिमाचल में कैसे आएगा बदलाव। पिछले 50 सालों से भाजपा कांग्रेस बारी बारी हिमाचल को लूटती चली आई है। इन दोनों ही पार्टियों ने हिमाचल को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये भाजपा कांग्रेस के कुशासन का ही नतीजा है कि आज हिमाचल प्रदेश पर 64 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज है। हिमाचल में 8 लाख से ज़्यादा बेरोजगार युवा हैं। हिमाचल के सरकारी स्कूलों की दशा किसी खंडर से कम नहीं है। हिमाचल की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल है। इस चौतरफा बदहाली के पीछे सिर्फ और सिर्फ भाजपा कांग्रेस है। हिमाचल में उठ रहा बदलाव का शोर ठीक ऐसा ही हुंकार है जो 2014 में दिल्ली में देखा गया, 2021 में पंजाब में देखा गया। ज़रा याद कीजिए 2011 का वो जनसैलाब जहां से आम आदमी पार्टी का उदय हुआ। भ्रष्टाचार का काल बनकर, बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य का संकल्प लेकर अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी ने आज वो करिश्मा कर दिखाया है जो भाजपा कांग्रेस आज़ादी के बाद से आज तक नहीं कर पाई हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने संकल्प लिया है कि हिमाचल को भाजपा कांग्रेस के कुतंत्र से बचाना है। हिमाचल में चल रही भाजपा कांग्रेस की खरीद फरोख्त की राजनीति से हिमाचल को मुक्ति दिलानी है, क्योंकि अच्छी शिक्षा मिलना हिमाचलियों का हक है, बेहतर स्वास्थ्य मिलना हिमाचलियों का हक है, हर बेरोजगार को रोजगार मिलना ददर की ठोकरें खा रहे युवाओं का हक है, मुफ्त तीर्थयात्रा हिमाचल के बुजुर्गों का हक है, 1000 की स्त्री सम्मान राशि हिमाचल की महिलाओं का हक है, हिमाचल के शहीद जवानों के परिजनों का हक है कि उनको 1 करोड़ की शहीद सम्मान राशि मिले, फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना हिमाचल के बागवानों का हक है, पुरानी पेंशन की बहाली हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों का हक है, और ये तभी संभव है जब हिमाचल में केजरीवाल जी की सरकार हो। हिमाचल वासियों के पास एक मौका है अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार मुक्त हिमाचल बनाने का। अरविंद केजरीवाल जी की गारंटियों से एक कुशल, सक्षम और क्रांतिकारी हिमाचल का नव निर्माण होगा। इस बार बड़े बदलाव के लिए एक मौका केजरीवाल को।